ठोकवा सा। तो चलो देखो, पहला देख लिए थे ना, देखे एक बार और। ठीक, क्या था हमारा क्वेश्चन? एक बटा सेक थीटा माइनस वन, फिर माइनस एक बटा में क्या था, सेक थीटा प्लस वन, ऐसा था। इसको हल करके हमें लाना कितना, मैं उसको भी लिख देता हूं पहले, टू कॉट स्क्वायर थीटा, इतना लेके आना है, टू कॉट स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो इसमें आपको सबसे पहला काम करना है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है ऐसा, एल एच एस, ठीक है। क्या है हमारा, एक बटा सेक थीटा माइनस एक, फिर माइनस है तो माइनस एक बटा सेक थीटा प्लस एक। और एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हर एक चैप्टर में बोलता हूँ कि जब भी बटा में हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा, उसके बाद तिर्यक गुणा, ठीक है। देखिए कैसा होगा, नीचे नीचे का जब गुणा करोगे तो ये ऐसा होगा, सेक थीटा माइनस वन और ये वाली सेक थीटा प्लस वन कर लोगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। उसके बाद तिर्यक गुणा करो, इसका गुणा इसके, इस एक के साथ करना पड़ेगा ऐसा, सेक थीटा प्लस वन का हो गया गुणा एक के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर पूरे ब्रैकेट का गुणा आपको किसके साथ करना है, एक के साथ, तो सेक थीटा माइनस वन, ऐसे आप लोग कर लोगे। ठीक, क्लियर यहां तक। उसके बाद क्या काम करेंगे, अंदर गुणा करना पड़ेगा उस एक का, या जो भी नंबर रहेगा दूसरे क्वेश्चन में उसका गुणा करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, कॉस साइन कुछ भी हो सकता है बाहर में, उसका अंदर गुणा आपको करना पड़ेगा। एक का जब गुणा करूंगा जस के तस होगा, है ना, ऐसा सेक थीटा प्लस वन ही होगा ना, वो माइनस है बाहर में तो गुणा भी करेंगे और अंदर का चिन्ह भी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो एक का सेक के साथ गुणा करेंगे तो सेक थीटा माइनस था तो वो प्लस वन, ऐसे हो जाएगा। और नीचे में भाई आपका लग जाएगा फॉर्मूला, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस में है ब्रैकेट में आपका, ऐसा ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, कर लोगे, ऐसा दिया हुआ है हमें तो उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ए की जगह में कितना है, सेक ना, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस एक का वर्ग करना, मतलब बी का वर्ग करना पड़ेगा, किसका, एक का वर्ग, तो एक का वर्ग एक ही होगा। क्लियर है यहां तक, आया ना सबको। उसके बाद जो ऊपर में कटेगा उसको कटा दो, जुड़ेगा उसको जोड़ दो, सीधी बात है, सेक और सेक खत्म, क्योंकि अलग अलग चिन्ह था, ये प्लस में और ये माइनस, इन दोनों के सामने समान चिन्ह है, ये भी प्लस में, इसलिए वो जुड़ जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा ऐसा, क्लियर। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर आपको फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, याद रखो कि सेक रहेगा तो टेन होगा, साइन रहेगा तो कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन होगा, उसी तरह सेक रहेगा तो टेन और टेन रहेगा तो सेक, कॉट रहेगा तो कॉसेक और कॉसेक रहेगा तो कॉट होगा, बस इसको रिलेशन को याद रखो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नीचे में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा कर लोगे। फिर उसके बाद आपको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको एक बटा टेन स्क्वायर थीटा, फिर ओपोजिट फॉर्मूला से एक बटा टेन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है, तो यहां पर स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें देखो यही लाना था, सिद्ध हुआ, इतना करते ही सिक्स मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को कल की क्लास में क्या बताया था कि एक सैंपल क्वेश्चन अपने से बना के दिया था क्या, साइन वाला दिया था ना, कर लिए थे उसको सॉल्व, ठीक, नोट करना है किसी को, करो फटाफट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सीधे करना, मतलब वो प्लस में है उसको किस में लाना है, गुणा में लाना है। तो देखो मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लूं, दूसरा का लेफ्ट हैंड साइड ले, क्या दे रखे हमें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में है उसको हमें लाना किस में है, गुणा में लाना है, इंटू में लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्ट लिख दिए, तो देखो इसको अभी तो कोई फॉर्मूला लगाते बन नहीं रहा हमसे, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कोई सर्वसमिका भी नहीं है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सेक का ओपोजिट होता है क्या, कॉस, तो एक बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस उसी तरीका इसका ओपोजिट क्या होता है, क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा एक बटा साइन स्क्वायर थीटा, कर लोगे। उसके बाद आपको पता है बटा वाला का क्या करना होता है,
सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा, फिर तिरिया गुणा, तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे कुछ ऐसा होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कर दो आप तिरिया गुणा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा एकम साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा करोगे तो ऐसा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक? अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कौन सा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना होता है एक, तो हम उसके जगह में लिख दिए एक, और नीचे में जो बाकी है उसको ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यहां पर लिख देना, ऐसा बता देना चेकर को, हाँ सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, इसलिए मैं वहां पर लिखा हूं या लिखी हूं एक करके। ठीक है, कर लोगे? हमें सीध करना है उसको, इंटू मिलाना, यही आंसर कैसे हो सकता है, सीध करना है अभी तो देखो हम कुछ इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, एक कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक बटा साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ना ऐसा अलग अलग, क्योंकि एक एक का में एक हीच रहेगा वो तो। फिर एक बटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ऐसा, इंटू एक बटा साइन का क्या होता है कॉस एक, यही सीध करना था क्या हमें, यही लाना था ना सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक स्क्वायर थीटा, तो आ गया तो लिख सकते हो सिद्ध हुआ। देखो इतने बनाया बनाने देना है ना, इसी को करो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, साइन फोर थीटा देते, इस उदाहरण नंबर एक देखे थे सिमिलरली उसी के जैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक, तो उसमें किए क्या थे, साइन फोर थीटा वाला को उसको तोड़े थे ना, सिमिलरली इसमें भी कर लेते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, थर्ड में क्या दे रखे आपको, साइन फोर ए प्लस कॉस फोर ए ऐसा दे रखे हैं। ठीक, बराबर में एक उसको उतना लाना है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए करके, हमें प्रूफ करना है उतना। तो दो तरीके से देखते कोशिश करते हैं कि हो जाए तो अच्छी बात है। तो देखो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, दो बार लिख सकता हूं, चार बार है तो उसको दो दो बार करके ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस है तो प्लस, इसको भी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए ऐसा दो 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 बार लिख दिए उसको, कर लोगे यहां तक। अब उसके बाद हमें पता है साइन का साइन स्क्वायर ए ही लिखेंगे, फिर इस वाले साइन की फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, अभी तो किए हो ना जस्ट पीछे वाले प्रश्न में, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह में साइन स्क्वायर ए लिखे थे, तो वैसा हम लोग उसको लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, इसको भी कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर भी लिख सकते हैं, अब कॉस है तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, कर लोगे ऐसा। फिर उसके बाद इसका अंदर गुणा कर दो, जैसे अंदर गुणा करते, क्लियर है ना, ये फॉर्मूला होती है साइन स्क्वायर ए का वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, आपको करना पड़ेगा याद हर फॉर्मूला को, यहां पर भी कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही है इतना, है ना। तो इसमें एकदम समझने ना समझने वाली बात तो आती नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला होता है तो होता है, क्लियर है। अब इसका अंदर गुणा कर दो, साइन स्क्वायर ए का एक के साथ जब गुणा करोगे तब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, होगा ही होगा, माइनस है तो माइनस, जब साइन का गुणा इसके साथ करेंगे तो ऐसा होगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, जब दोनों का गुणा करेंगे तो ऐसे एक साथ लिखना पड़ेगा, फिर प्लस है तो प्लस। अब इस कॉस का एक के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो ऐसा। ठीक, अब जो समान चिन्ह है उसको जोड़ दो, अलग अलग चिन्ह को घटा दो, जो जुड़ेगा उसको जोड़ो, घटेगा उसको घटा। तो सबसे पहले हम उसको ऐसा कर सकते क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में मैं जमा रहा हूं इसको कॉस स्क्वायर ए, फिर देखो ये दोनों सेम साइन है, यहां पर भी माइनस में यहां पर भी माइनस में, तो ये जुड़ के हो जाएगा माइनस दो ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, दो बार हो जाएगा ना जुड़ के, क्योंकि यहां पर भी माइनस था यहां पर भी माइनस था, सेम साइन होती तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा दो बार हो जाएगा दो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, ऐसा एक माइनस में दो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, आप ऐसा कर सकते हो, यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख सकते हो सिद्ध हुआ,
ये पहला मेथड है, आप इस तरीके से बना सकते हो। साइन 4a को मैं किया क्या हूं, दो बार में तोड़ दिया हूं, साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर 4 को कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a में हमने दो दो बार तोड़ दिए। कर लोगे ऐसा, क्लियर ये वाली स्टेप? उसके बाद क्या किए हैं, साइन स्क्वायर a को मैं फॉर्मूला में तोड़ दूं, तोड़ दिया हूं, साइन स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस, इस वाले कॉस को जस्ट के तो फिर से इसके पीछे वाले कॉस को चेंज कर दे, जब साइन का कॉस होता है तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दिए, ठीक है, सर्वसम्मी का सूत्र से। अब उसके बाद क्या कि उसका अंदर गुणा किए, कॉस स्क्वायर a का जब एक के साथ गुणा होगा तो ऐसा ही होगा, सॉरी साइन स्क्वायर a का एक के साथ, तो साइन स्क्वायर a एकम साइन स्क्वायर a, माइनस है तो माइनस, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ऐसे अगल बगल में लिखाएगा वो होगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस स्क्वायर a का आप एक के साथ गुणा कर दो ऐसा, माइनस है तो माइनस, फिर इसका इसका गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर इन टू कॉस स्क्वायर होगा। फिर मैं क्या क्यों इसको अरेंज क्यों, कुछ नहीं क्यों, देखो साइन का साइन और प्लस कॉस है तो प्लस कॉस यहां ला के लिख दिया हूं, फिर ये दोनों में समान साइन था, सेम साइन था, मींस इसको क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, साइन स्क्वायर इन टू कॉस स्क्वायर यहां पर भी एक बार था, यहां पर भी एक बार था, तो टोटल दो बार हो गया जुड़ के, एक एक बार था तो दो बार हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना होता है, एक, और इसको जस के तस यहां पर लिख दे। ये पहला तरीका है। सेकेंड तरीका से देख लेते हैं फिर से एक बार और, इसी को लेफ्ट हैंड साइड को क्या दे रखे, साइन 4a प्लस में कॉस 4a ऐसा दे रखे हमें, ये सेकेंड तरीका है ना, अगर हम उस तरीके से भी कर सकते ऐसा ही दिया है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a और पूरे का स्क्वायर ऐसा जैसे पहले एग्जांपल में किए थे ना वैसा कर सकते हैं, प्लस इसको कॉस स्क्वायर a और पूरे की घात में भी दो ऐसा लिख देंगे, ठीक है कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a पूरे का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर a पूरे का वर्ग ऐसा लगा देंगे, फिर एक बार मैं क्या करूंगा प्लस कर दूंगा किसको, साइन स्क्वायर a इंटू नहीं, दो साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a को एक बार प्लस करना है और एक बार उसी को क्या कर देना है आपको माइनस कर देना है, ऐसा एक बार प्लस क्यों और माइनस क्यों सीध करने के लिए हम वैसा कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो सपोज दैट यू हैव 10 रुपीज, आपके पास 10 रुपए है, अब घर से निकले आपको 2 रुपया और मिल गया, ठीक है 12 रुपया हो गया, फिर एक लड़की वहां से मंगली मेरा पैसा है करके, तो फिर से गया मतलब एक बार मिला और एक बार फिर से आप दे दिए उसको, तो आपके पास कितना रुपया बाकी रहा, 10, तो सेम काम है यहां पर भी, एक बार प्लस किया और एक बार उस चीज को माइनस कर दे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि पहले जुड़ रहा था फिर से वो घट गया, क्लियर है। तो एक बार आप सीध करने के लिए आप दिमाग में ऐसा रख सकते हैं कि मुझे ये करना है करके, उसके बाद करना क्या है, इतने की जगह में देखो मैं क्या लिख सकता हूं, एक सूत्र होता है आप लोग को पढ़े हो, ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर का, ठीक है क्या होता है फॉर्मूला, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा ही है, ए का वर्ग प्लस 2ab, देखो ए का वर्ग मेरा इतना को मैं क्या मार रहा हूं a, और इतना को क्या मार रहा हूं b, तो a का वर्ग प्लस में b का वर्ग और प्लस 2ab ऐसा है, तो मैं उसको ऐसा दिया हो तो उसको ऐसा लिखूंगा a प्लस b का वर्ग, तो a की जगह में कितना है साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह में कितना है कॉस स्क्वायर a, फिर पूरे का वर्ग कर देना है मुझे और बाकी जो है इतने तीनों की जगह में लिखे तो बाकी माइनस में क्या है 2 sin² a इंटू कॉस स्क्वायर a ऐसा कर सकते हो, ठीक इतने की जगह में ये वाला फॉर्मूला हुआ, माइनस है तो माइनस, सिर्फ पूरे को जस के तस अपन लिख लिए। फिर हमें ये पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो यहां पर लिख दो 1 का वर्ग क्योंकि वर्ग है इसलिए वर्ग लिखना पड़ेगा, माइनस 2 sin² a इंटू कॉस स्क्वायर a ऐसा लिख लेंगे, फिर 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस 2 sin² a इंटू कॉस स्क्वायर a ऐसा कर सकते हैं, ठीक है और यही हमें सिद्ध करना है, देखो इसमें भी वही चलाए हैं उसमें भी वही लाए 1 - 2 sin² a इंटू कॉस स्क्वायर a, तो यहां पर भी लिख सकते हो सिद्ध हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक तो यहां तक नोट कर लो तो फटाफट।
जिसको जो अच्छा लगे क्वेश्चन नंबर से कर लो। 4 हो गया था, बना लोगे क्वेश्चन नंबर 4 करड़ी वाला जो है बन जाएगा, उदाहरण जैसे बताया था बन जाएगा ना, पक्का? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते फिर सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है, अपन देखते किसको, 5 को। 5 में क्या दे रखे हैं, 1 cot theta - और नेक्स्ट में 1 tan theta + sec theta। इसको सॉल्व करके आपको लाना क्या है, 2 लेके आना है। ठीक, चलो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो इसमें देखो कुछ फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है। ये तो सिंपल तरीका है, पूरे ब्रैकेट का गुणा बारी बारी से सबके साथ करते जाओ, एक तरीका वो है, उस तरीका से बन जाएगा। फिर दूसरा तरीका जो है मुझसे बता रहा हूं, हम इसको चेंज कर देंगे, 1 का 1 प्लस, मैं कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, याद रखना साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बटा में साइन थीटा, कर सकते हैं ऐसा, फॉर्मूला से होता है वो सब चीजें, फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो, इसलिए फॉर्मूला पहले बताया गया। 1 का 1 प्लस 10 को लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर 1 बटा sec का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा cos थीटा, कर लोगे यहां तक, आया पक्का ना? ठीक, अब हम करेंगे क्या, इसको हल करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब एक, इस एक के नीचे में कुछ नहीं मतलब एक, तो सबसे पहले लघुत्तम ले लो, इसमें मैं लघुत्तम लूंगा साइन थीटा को, और जिसके नीचे में साइन नहीं है उसमें साइन का गुणा कर दूंगा। ठीक है, साइन का लघुत्तम ले लिया, अब देखो इसमें इसके नीचे में साइन का गुणा नहीं है, साइन नहीं है ना इसके नीचे में, तो ये गुणा हो जाएगा ऐसा, साइन थीटा एकम साइन थीटा, ठीक, प्लस है तो प्लस, फिर यहां पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, और माइनस 1 है तो, क्योंकि जिसके नीचे में उसको जस के तस लिख रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं उसमें, इसके नीचे में साइन है ना, तो उसको देखो मैं कॉस का कॉस लिखा हूं, फिर माइनस है तो माइनस, इसके भी नीचे में साइन है इसलिए उसको सिर्फ 1 लिखा हूं, कर लोगे इतना। ये हुआ हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का, सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम काम करो, यहां पर लघुत्तम क्या लेना पड़ेगा आपको, कॉस थीटा, और जिसके नीचे में कॉस नहीं है उसको गुणा कर दो, जब गुणा करो इसमें हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस 1, कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, कर दो ऊपर का ऊपर गुणा, जब ऊपर का ऊपर गुणा करूंगा तो ऐसा होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसको देखो मैं इसको पलटी कर रहा हूं क्योंकि प्लस में तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं ऊपर को, इसको जस के तस लिखा हूं, इसमें थोड़ा सा चेंज किया हूं ताकि इसी के जैसे फॉर्म में रहे, है ना, साइन को मैं पहले लिख दिया हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, कोई चेंजेस हुआ है क्या, साइन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, जगह बस उसकी बदली है। फिर नीचे नीचे का जब गुणा होगा तो कैसा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कर लोगे क्या यहां तक, आया। अब देखो हमारा, मैं इतना को अगर ए मानूं, ये दोनों को ए और इसको बी, इतना को ए और इसको बी, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, उसी फॉर्मूला में बनेगा। देखो एक बार जो है माइनस में माइनस 1 है और एक बार प्लस 1 है, क्योंकि मैं दोनों को पूरे को a मार रहा हूं, खोलो तो, ठीक, देखो तो कर लोगे, इतना हमारा a है, मतलब यहां पर इतना दिया माइनस प्लस में, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिखना पड़ेगा, तो a का वर्ग मतलब किसका वर्ग करूंगा मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना मेरा पूरा a है, तो a का वर्ग हुआ माइनस b का वर्ग, मतलब b की जगह में 1 है इसलिए 1 का वर्ग। नीचे को कुछ नहीं करना है आपको, नीचे को लास्ट स्टेप तक जस्ट के तस लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर क्या यहां तक का। उसके बाद आपको करना क्या है, आया ना यहां तक, a का वर्ग माइनस b का वर्ग किया हो तो a पूरा हमारा ये था। अब यहां पर आपको सूत्र से तोड़ना पड़ेगा, कौन सा सूत्र, a प्लस b का वर्ग वाला, ये त्रिकोणमिति, हर स्टेप में फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ठीक, a प्लस b का क्या होती है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, इतना होता है ना,
तो उसको तोड़ दो। ए का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का वर्ग मतलब डायरेक्टली 2ab करूं तो या तो मैं इस फॉर्मूला को तो ऐसे भी तो लिख सकता था ना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, आगे पीछे भी तो जमा सकते ना, बस साइन में चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो मैं बी का वर्ग को करूं ताकि मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते बने, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab करना है, तो 2 का 2 ए की जगह में कितना है साइन थीटा इंटू बी की जगह में है कॉस थीटा, कर सकते हैं। फिर माइनस एक का वर्ग कितना होगा एक, ठीक कर लोगे। हाँ नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं साइड में देख लेता हूं बाकी को, ठीक क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है तो कर लो भाई उसके बराबर। इतना देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, तो ये हो जाएगा एक प्लस में क्या है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस एक है और नीचे में बाकी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उतना ही बाकी है ना, है इतना ही। अब क्या कर सकते हैं, एक और एक जुड़ जाएगा, एक और एक घट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक वेरी गुड। साइन और साइन, कॉस और कॉस डिलीट, तो बाकी रहेगा दो, और यही हमें लाना था, सिद्ध हुआ। इतना करते ही 6 मार्क्स आपके जेब में है ना, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में खत्म। लेकिन फॉर्मूला हर जगह लगेगा, इसमें फॉर्मूला वाला है, इसमें फॉर्मूला पुट किएंगे ये वाली स्टेप से, फिर इसमें फॉर्मूला, फिर नहीं है, ठीक फटाफट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्लियर है ना, पांचवा तक बन जाएगा कंफर्म सबका, आज एक एक बार वही करना, जब तक एक एक बार नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी तब तक खाना नहीं खाऊंगी करके हाथ में लिख के जाओ ऐसा, ठीक उपवास, जब तक नहीं होगा तब तक उपवास रहूंगा। अच्छा पहले खाना फिर बनाना है, ठीक ठीक चलो, मतलब दूसरा कमेंटमेंट कर लेना, जितना मुट्ठी खाना खाऊंगी उतने बार क्वेश्चंस को बनाऊंगी करके। 6 को बताऊं कि 7 को बताऊं, 6 को, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम बनेगा, जैसे अपन पहला क्वेश्चन में किए थे सिमिलरली वैसे ही बनेगा, और आपको वही काम करना है। देखिए छठवें नंबर के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अपन क्या दे रखे हमें 1 cos θ बटा में 1 cos θ, फिर -1 cos θ इसके बराबर हमें प्रूफ करना है 4 cot θ इंटू cosec थीटा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वो तो ले तो लिए है ना, उसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा करेंगे तब कैसा होगा ये 1 cos θ और 1 cos θ, कर लोगे। फिर इसका गुणा इसके साथ करना है तिर्यक गुणा, तो देखो सीधा सीधा वो क्या लग जाएगा स्क्वायर 1 cos θ का वर्ग होगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है इसलिए वर्ग हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो यहां पर भी 1 cos θ पूरे का वर्ग, कर लोगे 1 cos θ का वर्ग माइनस 1 cos θ का वर्ग हो जाएगा। फिर नीचे में एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, कर लोगे। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसका फॉर्मूला में सीधा सीधा तोड़ दो, कौन से फॉर्मूला में टूटेगा मुस्कान, ए प्लस बी वाला में टूटेगा, ऐसा में क्या हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2ab। फिर एक और फॉर्मूला माइनस वाला क्या होती है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस 2ab होगा उसमें, और एक और फॉर्मूला एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, ऐसा तीनों फॉर्मूला का आपका यूज होगा इसमें वो, ठीक है। तो ए प्लस वाला तो प्लस वाला को कर ले,
ए प्लस बी वाला, तो उसके हिसाब से करेंगे तो ए की जगह में कितना है इसमें, एक, तो एक का वर्ग प्लस में बी का वर्ग मतलब कॉस का वर्ग ऐसा, उसके बाद 2ab लिखना पड़ेगा ना, प्लस 2ab, ए प्लस बी का वर्ग, फिर 2ab भी तो करना है भाई आपको, तो उसके हिसाब से 2 का 2, a की जगह पे है 1, b की जगह पे है cos थीटा, कर लोगे, माइनस है तो माइनस, इसको भी कर दो सिमिलरली, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना क्योंकि बाहर में माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, एक का वर्ग ऐसा, फिर प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab रहेगा, ठीक, माइनस 2, a की जगह में 1, b की जगह में cos थीटा, कर लोगे नीचे में एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो कैसा होगा ये, एक का वर्ग माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा ऐसा ही, ये माइनस और प्लस वाला फॉर्मूला यहां पर आपका लग जाएगा, फिर एक का वर्ग कितना होगा, एक, प्लस है तो प्लस, फिर cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा और इसका जब गुणा होगा तो प्लस, दो एक कम दो cos थीटा, ऐसा ही होगा, बाहर में माइनस तो अंदर का चिन्ह पूरा बलत देंगे यहां पर, ठीक, क्या हो जाएगा, एक का वर्ग एक माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस दो cos थीटा, इस तरीका से होगा, फिर नीचे में क्या बाकी है, एक का वर्ग एक माइनस cos स्क्वायर थीटा, कर लोगे यहां तक, उसके बाद समान चिन्ह जुड़ेगा और अलग अलग चिन्ह घटेगा, तो कौन कौन, एक और एक डिलीट खत्म सीधा, और cos स्क्वायर और cos स्क्वायर भी खत्म, ये दोनों 2 cos और 2 cos दोनों, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, 2 cos है तो टोटल 4 थीटा, और नीचे में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखो अपन इसको ऐसा कुछ जमा सकते हैं क्या, 4 की 4, फिर cos थीटा बटा में और इंटू में 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो मैं दो बार उसको ऐसा लिख दिया, अब उसको प्रूफ करने के हिसाब से 4 की 4 और cos बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा और 1 बटा साइन का cosec थीटा, और हमें यही प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ, इतना करते ही आपको ठीक है, सेम स्टेप में इतना ही देखो 6 लाइन में बढ़ रहा है और आपको सीधा सीधा 6 नंबर देके जाएंगे ये क्वेश्चन, बस फॉर्मूला अच्छे से करके रखो, बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस एक तरफ, ये पूरा का पूरा आपके प्रैक्टिस में ही आपके मुट्ठी में बंद होगी, इसलिए जितना ज्यादा हो सके इसको प्रैक्टिस करो सीरियसली, ठीक, बार बार देखो बना के, देखो 7 नंबर की क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, किसी ना किसी ईयर में आया हुआ है, दिए क्या आपको, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या दे रखें, साइन थीटा, इतना दिए क्वेश्चन, पूरा फोकस करो इधर, अरे तुम लोग इधर इस साइड बैठे हो तो कैसे दिखेगा आप लोग को, ठीक, क्या करेंगे सबसे पहले आपको काम क्या करना है, नीचे नीचे का गुणा करना है, जब मैं नीचे नीचे का गुणा करूंगा कुछ ऐसा होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा होगा, उसके बाद क्या काम करना है आपको, तिरय गुण, यहां पर माइनस है क्या, उसमें प्लस ही है ना, तो किसी कोई तो चेक करवाने आए थे तो यहां पर माइनस लिख के बना रहे थे, किसके कॉपी में था, मुस्कान नहीं तो किनके कॉपी में था, ठीक चलो, इसका और इसका गुणा होगा तब ऐसा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग आपको कर लेना है, क्लियर यहां तक का, पहला स्टेप ही ना, सबसे पहले मैं नीचे नीचे का गुणा क्यों, फिर तिरय गुणा क्यों, साइन और साइन का गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, और इसका जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग कर लोगे, उसके बाद यहां पर कैसे होगा, साइन स्क्वायर प्लस, इसमें सूत्र में तोड़ दो, कौन से लगेगा, इसमें प्लस वाला लगेगा, ए प्लस बी का वर्ग वाला, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग करें, a का वर्ग कितना होगा, 1 डायरेक्ट बना रहा हूं, प्लस b का वर्ग मतलब cos स्क्वायर थीटा और 2ab लिखना है, मतलब 2 cos थीटा हो जाएगा डायरेक्टली, हो जाएगा ना 2 cos थीटा, फिर नीचे में देखो कैसा है, नीचे को कुछ मत करो, 1 प्लस cos थीटा इंटू में sin थीटा,
कर लोगे। उसके बाद मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरेंज कर दिया मैं उसको, क्योंकि इसका हमारा पास फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, प्लस में एक और प्लस में दो कॉस थीटा, क्लियर? क्या बस अरेंज किया हूं, इन दोनों को अल्टी पल्टी मारे हैं, बस कॉस को यहां लिखे और एक को वहां पर लिखे, क्लियर है? फिर नीचे को जसके दस अभी भी लास्ट तक वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर लोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना होता है, एक लिख दिया उसके जगह में, एक बाजू में लिख देना कितना होता है करके, प्लस एक और प्लस दो कॉस थीटा और बटा में अभी भी जैसे था वन प्लस कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा कर लोगे क्या यहां तक। उसके बाद एक और एक जोड़ के आपको कितना हो जाएगा, दो प्लस में ऐसा एक और एक जुड़ के दो हुआ, प्लस टू कॉस थीटा था और नीचे में ऐसा, नीचे को जस के तस कुछ नहीं करना है, क्लियर क्या यहां तक। फिर वहां से हम लोग कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे, है आइडिया किसी के पास? हमें टू कॉसेक लाना है, तो देखो मैं दोनों में से दो कॉमन निकाल दूं क्या, दो जब कॉमन निकलेगा तो वो बाकी रहेगा, देखो ये दो बाहर निकल गया तो हमारा कुछ ऐसा रहेगा, एक प्लस में कॉस थीटा ऐसे, और नीचे में भी एक प्लस कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा, तो ये ब्रैकेट और ब्रैकेट कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा बाकी क्या रहेगा, दो बटा में साइन थीटा, इतना ही बाकी रहेगा। फिर दो और इसको एक बटा साइन थीटा ऐसे लिख दो, और एक बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा कॉसेक थीटा ऐसे सिद्ध, इतना ही आपको करना, ठीक, इतना आसान है, पक्का ठीक, यहां तक नोट करो और यहां तक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना।